मामा, कोई एक टाइम भी ऐसा है जब तू मुझे बिना सुनाए हुए खाने देती हो? मुझे पता है मेरे पास काम नहीं है, काम नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो इज्जत नहीं, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है माँ, कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। औरों की तरह रात के 2-2 बजे तक जागकर आई लव यू, मेरा सोना ने खाना खाया, मेरा बाबू ने खाना खाया, ये सब तो नहीं कर रहा हूँ, कम से कम नौकरी तो ढूंढ रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, नहीं मिल रही है तो क्या करूँ, मालिक के छाती पे चढ़ के बोलू मुझे काम दे? बस थोड़ा वक्त दे मुझे माँ, मैं ये साबित कर दूंगा कि तेरा बेटा नालायक नहीं है। भैया कोई काम है मेरे लिए? नहीं नहीं कोई काम वाम नहीं है, जाओ यहां से। भैया कोई काम मिलेगा? नहीं। भैया कोई नौकरी है खाली? नहीं नहीं है। भैया कोई काम है आपके पास? नहीं। भैया कोई काम के लिए जगह खाली है आपके पास? नहीं भाई, यहाँ कोई जगह खाली नहीं। हेलो राजेश, यार तुझे मैंने कोई जॉब के लिए कहा था, है तो बता भाई। हाँ कहा तो था भाई, मैंने एक दो लोगों से बोला तो है तेरी जॉब के लिए, देखते हैं जैसा भी होगा मैं तुझे बताता हूँ भाई। ठीक है भाई। माँ खाना दे दो, भूख लगी है बहुत तेज। क्या हुआ नौकरी का, पता किया कुछ या आज भी नहीं मिली? ओहो मिलेगी भी कैसे, आवारा गर्दी करने से फुर्सत मिले तब ना तुझे। माँ कोशिश कर रहा हूँ मैं। बेटा कोशिश ही करते रहना जिंदगी भर, काम मत करना, करेगा भी क्यों, मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत जो पड़ गई है। घर में घुसते ही माँ खाना दो, खाना दो सामने प्लेट लग जाती है, सांड जैसा हो गया है। और तो और अपने से कम उम्र के लड़कों के साथ घूमना नहीं छोड़ता, तेरी उम्र के लड़के कहां से कहां निकल गए, वो भी तेरे साथ वाले, और तू वहीं का वहीं रह गया। 2 साल पहले कहा था तुझे दुबई चला जा दिलीप जी के बेटे के साथ, जिंदगी संवर जाएगी तेरी, पर नहीं, तुझे तो यहाँ रह के आवारा गर्दी करनी थी ना। देख आज दिलीप जी का बेटा दुबई से 50,000 रुपए अपने माँ बाप को महीने के भेजता है, और तो और शुक्ला जी का बेटा दिल्ली में रह के बिजनेस कर रहा है, लाखों छाप रहा है लाखों, और तू तू क्या कर रहा है? बस करना माँ, कोई एक टाइम भी ऐसा है जब तू मुझे बिना सुनाए हुए खाने देती हो और पापा शाम को आकर सुनाते हैं वो अलग। मुझे पता है मेरे पास काम नहीं है, काम नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो इज्जत नहीं, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है माँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। औरों की तरह रात के 2-2 बजे तक जागकर आई लव यू, मेरा सोना ने खाना खाया, मेरा बाबू ने खाना खाया, ये सब तो नहीं कर रहा हूँ, कम से कम नौकरी तो ढूंढ रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, नहीं मिल रही है तो क्या करूँ, मालिक के छाती पे चढ़ कर बोलूँ मुझे काम दे? पता नहीं किस किस के बेटे से कंपेयर करने लगती है मुझे, इसके बेटे ने इतने पैसे भेजे, इसका बेटा दुबई गया, इसका बेटा वो कर रहा है, इसका बेटा ये बिजनेस कर रहा है। दिलीप अंकल का बेटा सिर्फ दुबई से पैसे भेज रहा है अपने माँ बाप को, लेकिन फोन कर माँ बाप का हाल चाल पूछने का भी वक्त नहीं है उसके पास। देखता हूं मैं अंकल आंटी को कितने इमोशनल होकर बैठे रहते बेचारे। और वो शुक्ला उनका बेटा लाखों छाप रहा है, वो मेहनत का नहीं है, वो भोले भाले इंसान को बेवकूफ बनाकर पैसे छाप रहा है। नहीं जाना मुझे दुबई, नहीं करना मुझे ऐसा बिजनेस, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। माँ मुझे पता है पापा की इतनी तनख्वाह नहीं जिससे ये घर चल सके, घर का रेंट राशन पानी बिजली पापा की दवाइयों का खर्चा और हमारे ऊपर हजारों का कर्ज। मुझे पता है माँ आस पड़ोस भी मुझे सब नालायक समझते और मुझे लेकर पापा को ताने सुनाते हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा वक्त दे मुझे माँ, मैं ये साबित कर दूंगा कि तेरा बेटा नालायक नहीं है। बुरा वक्त है पर हमेशा तो नहीं रहेगा ना।